हाय फ्रेंड्स, कुकिंग विद साक्षी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी नवरात्र स्पेशल रेसिपी जिसका नाम मिक्सचर नमकीन है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन जरूर प्रेस करें और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। व्रत स्पेशल मिक्सचर बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। ये एक आलू मैंने पानी में भिगो के रखा है, अब इसको मैं ग्रेट करूंगी। इसके साथ ही मूंगफली, मखाने, नारियल, काजू और इसके साथ ही मसालों में काली मिर्च, शुगर पाउडर, सेंधा नमक। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे। मोटा वाला पोर्शन जो है इससे ग्रेट करना है हमें इस तरह से। आलू हमारा ग्रेट हो गया है, अब इसे हम पानी से धुलेंगे 6 से 7 बार ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ये मैंने बाउल में पानी लिया है, अब इसको दूसरे बाउल में करके ऐसे धुलूंगी। ऐसे ही हमें 6 से 7 बार आलू को धुलना है। आलू हमारे अच्छे से साफ हो गए हैं, इसमें से सारा स्टार्च बाहर निकल गया है। अब इसे हमें एक छन्नी से छान लेंगे। कुछ देर ऐसे ही रखने के बाद इसको हमें कपड़े पे सुखाना है। अब इन आलुओं को हमें सुखाना है जो हमने ग्रेट किया था, तो उसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे या आप टॉवेल ले लीजिए और इसका पानी इसमें से एकदम अच्छी तरह से निकाल देना है। ऐसे इसको फैलाते हुए अच्छे से इसको पोंछना है ताकि इसका सारा पानी खत्म हो जाए। आप चाहे तो इसे पंखे में भी रख सकते हैं, इसका पानी अच्छे से सूख जाए। जब तक हमारे आलू सूख रहे हैं तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाला है। अगर आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले मूंगफली डालूंगी। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। ऐसे चलाते रहेंगे। मूंगफली हमारी थोड़ी थोड़ी भून चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मखाने। अच्छे से चलाएंगे, बराबर चलाते रहेंगे। मखानों को 2-3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम काजू और नारियल ऐड कर देंगे। इनको भी 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अलग रख देंगे। अब आलू हमें फ्राई करना है, तो देखते हैं आलू हमारा सूख गया है। हमारे आलू में से पानी देखिए एकदम अच्छे से सूख गया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, ये मैंने मूंगफली का तेल डाला है। अब इसको हमको फ्राई करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा आलू डालेंगे। और इसको ऐसे चलाते रहेंगे। पहले हमको हाई फ्लेम पर डालना है, उसके बाद हमको फ्लेम स्लो कर देना है। इन आलुओं को बराबर चलाते हुए इनको हमको गोल्डन कलर में करना है और इनको निकालने के बाद उसके बाद हमें जो दूसरा हमने रखा है आलू उसको भी फ्राई कर लेना है। ये नमकीन आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए हमारे आलू गोल्डन हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इसमें आवाज भी आ रही है। हमारी मिक्सचर नमकीन फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक 1/2 छोटा चम्मच, काली मिर्च 1/2 छोटा चम्मच और शुगर पाउडर। अगर आपको शुगर पाउडर नहीं ऐड करना है तो आप मत ऐड करिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स, हमारी मिक्सर नमकीन बनके रेडी है। आप इसे आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और अपना रिस्पांस जरूर मुझे कमेंट में लिख के शेयर करिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ।